एक साथ तीन तलाक देने को गैरकानूनी बनाने वाले विधेयक पर लोकसभा में वोटिंग जारी। केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, राजनीतिक नजरिए से ना देखा जाए बिल, दोषी पाए जाने पर ही मिलेगी 3 साल की सजा। कांग्रेस समेत कुछ दलों ने सदन से किया वॉकआउट। आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जे की मांग और कावेरी समेत विभिन्न मुद्दों पर आज भी नहीं चल पाई राज्यसभा की कार्यवाही। सभापति एम वेंकैया नायडू ने जताई नाराजगी, कहा सदन का बार बार स्थगित होना ठीक नहीं। सरकार समेत सभी दलों से की अवरोध करने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आम राय बनाने की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोलने का लगाया आरोप। हिमाचल प्रदेश की बीजेपी सरकार के 1 साल पूरा होने पर धर्मशाला की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, हिमाचल की विकास यात्रा में भरपूर सहयोग दे रहा है केंद्र। राज्य को पिछली सरकार से 50,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं ज्यादा। स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास के मामले में तमिलनाडु का विरुधुनगर जिला ऊपर। नीति आयोग ने जारी किया आकांक्षी जिले कार्यक्रम की दूसरी डेल्टा रैंकिंग। मूलभूत सुविधाओं के आधार पर की गई रैंकिंग में 111 जिले हुए शामिल। और 12 दिन की एनआईए रिमांड में भेज गए आईएसआईएस के नए मॉड्यूल से जुड़े सभी 10 आरोपी। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कल 17 जगहों पर छापेमारी में पकड़े गए थे हरकत उल हर्ब ए इस्लाम के संदिग्ध सदस्य। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी के बिना मुमकिन नहीं हो पाती कामयाबी।